बच्चों गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में तंत्रिका तंत्र के बारे में अध्ययन किए थे, लास्ट क्लास में ये बताया गया था कि तंत्रिका तंत्र जो है तीन प्रकार का होता है। पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और तीसरा परिधि तंत्रिका तंत्र। तीनों तंत्रिका तंत्र के बारे में जो है बताया गया था, उसी में आज पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र में किस प्रकार से जो आवेग होता है उसका संचरण किस प्रकार से होता है, इसका अध्ययन आज के लेक्चर में करेंगे। तंत्र की आवेग एवं उनका संचरण, यह आज हमारा टॉपिक है। आपको मालूम है कि जो नर्व होते हैं या तंत्रिका जो तंत्र होता है ये विशेष प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। जो हमारी सामान्य कोशिका होती है उससे अलग प्रकार की कोशिका है। जनरली हम देखते हैं तो जो सामान्य कोशिका होती है, आपको मालूम है कि लगभग कोशिका गोलाकार होती है, बीच में केंद्रक होता है, बीच में जो है कोशिका द्रव्य होता है, इसमें बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम्स, बहुत सारे। जबकि जो नर्व सेल्स होते हैं, ये जो तंत्रिकी कोशिका जो होता है इससे बिल्कुल ही भिन्न होता है। जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा एक जो तंत्रिका कोशिका जो होता है लंबी होती है। आपको पता है कि जंतुओं का सबसे लंबी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका है वो आपका नर्व सेल ही होता है। वो इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से लंबी कोशिका होती है जहां पर बीच में एक सुविकसित केंद्रक होता है, निचले ग्रैन्यूल्स कण पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य होती है, यहां पर डेंड्राइट्स होते हैं। इस प्रकार से ये आपका एग्जाम लंबी होती है। तो इस प्रकार से जो शरीर में जो नर्व सेल होते हैं, तंत्रिकी कोशिका होता है वो काफ़ी लंबी होती है, क्योंकि हमारे शरीर में जो है दो प्रकार के नर्व सेल पाया जाता है। जैसे आपको पता है कि पहला जो होता है आपका, इसको हम बोलते हैं न्यूरॉन, और दूसरे प्रकार का जो होता है उसको बोलते हैं न्यूरोग्लिया। दोनों प्रकार कोशिकाओं से पूरा तंत्रिका तंत्र जो है बना हुआ है। तो आज के क्लास में हम इन्हीं कोशिकाओं में आवेग का संचरण किस प्रकार से होता है इसका अध्ययन करेंगे। पूरी बॉडी के अंदर सभी जो नर्व सेल्स होते हैं, तंत्रिक कोशिकाएं जो होती हैं, ये आपस में मिल मिल करके एक चेन बनाते हैं जिसको हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं, जिसका मुख्य जो केंद्र होता है वो आपको मालूम है मस्तिष्क होता है। ये जो मस्तिष्क होता है इसके माध्यम से पूरे बॉडी पर जो है कंट्रोल करता है। अब यहाँ पर देखिए जो नर्व सेल्स होता है, संवेदी कोशिकाएं जो होती हैं, अब संवेदी कोशिका किसको कहते हैं, संवेदी कोशिकाएं जो होती हैं ये जो है जो अंग होता है, संवेदी अंग होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। संवेदी अंग जो होता है ये विशेष प्रकार के उद्दीपन संवेदना सूचनाओं को ग्रहण करते हैं। संवेदी कोशिका ये जो है संवेदी अंगों पर होता है जो विशेष प्रकार के बाह्य उद्दीपन को ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के पश्चात जो है ये तंत्रिकी कोशिकाओं को ट्रांसफर करते हैं, हस्तांतरित करते हैं। अब यहाँ पर देखिए जैसे कोई जो है सूचना जो है नर्व सेल ग्रहण करता है या संवेदी कोशिका ग्रहण करती हैं, ये जो है नर्व सेल को ट्रांसफर करता है और नर्व सेल से होते हुए जो है ये कहाँ तक पहुँचता है, ये मस्तिष्क तक पहुँचती है। ठीक है, तो इसका संचरण जो है किस प्रकार से होता है यहाँ देखते हैं आप। जैसी जो है संवेदी कोशिकाएं जो है किसी उद्दीपन को ग्रहण करती हैं, ये ट्रांसफर करता है तंत्रिकाओं को। सूचना का
तंत्रिकाओं के पास आना ही तंत्रिकीय आवेग कहलाता है। ठीक है, संवेदी कोशिका जो सूचनाओं को या जो उद्दीपन ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के पश्चात ये तंत्रिकाओं को जो है ये हस्तांतरित करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। जैसी जो है संवेदना जो होती है तंत्रिकाओं पर पहुंचता है, तो तंत्रिकाओं के आवेग को ही हम तंत्रिकीय आवेग कहते हैं। जैसे जो है तंत्रिकी आवेग जो है तंत्रिका तक पहुंचती है, ये न्यूरॉन्स के द्वारा ये मस्तिष्क तक पहुंचता है। अब जो आवेग का संचरण जो होता है, ये विद्युत, रासायनिक तरंग के माध्यम से होता है। जो तरंग, जो आवेग होता है, जो उद्दीपन होती है, जो सूचना होता है, इनका प्रवाह जो होता है ये विद्युत रासायनिक तरंग के माध्यम से होता है। ये जो तरंग होता है वो एक दिशा में ही होता है। जैसे सपोज दैट, देखिए आप कुरुवा तालाब है, आप जब पत्थर डालते हैं, पत्थर मारते हैं, तो क्या होता है, उसे एक तरंग निकलती है। ये तरंग जो है चारों दिशाओं में जो है आगे बढ़ती है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी तरंग जो होता है यहाँ पर चारों दिशाओं में ना जाकर सिर्फ एक ही दिशा में जाता है। तो यहाँ पर तरंग के माध्यम से आवेग का संचरण होता है, इसको कहते हैं विद्युत रासायनिक तरंग। ये जो तरंग होता है जहाँ पर सिनेप्सिस होती है, युग्मानुबंध, इनका कंट्रोल जो है कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होता है। सिनेप्सिस में जहाँ पर युग्मानुबंध होता है, जहाँ वह दो तंत्रिका कोशिकाएं आपस में मिलती हैं, उस जगह पर तरंग का जो ट्रांसफर होता है वो विशेष प्रकार के क्रियाओं द्वारा संपन्न होती है। हर तंत्रिकी कोशिकाओं में दो प्रकार गुण होती है। एक गुण कहते हैं उत्तेजनशीलता और दूसरे प्रकार गुण कहते हैं चालकता। पहले प्रकार गुण में जो संवेदी कोशिकाएं होती हैं, जो संवेदनाओं ग्रहण करती हैं, ग्रहण करके जो है वो एक्साइट अवस्था में अर्थात उत्तेजित अवस्था में आ जाती हैं, वो एक्साइट हो जाती हैं, इसी गुण कहते हैं उत्तेजनशीलता। और दूसरा लक्षण होता है चालकता। ये जो कोशिकाएं हैं संवेदनाओं को ग्रहण करती हैं और ये अपने पास रखते नहीं है, संवेदनाओं को जो है दूसरे कोशिका को ट्रांसफर करते हैं, इस गुण कहते हैं चालकता। तो हर कोशिकाओं में ये दोनों प्रकार का गुण जो है पाया जाता है, उत्तेजनशीलता और दूसरा है चालकता। एग्जाम चारों तरफ जो शरीर के अंदर में जो न्यूरॉन्स होते हैं, तंत्रिक कोशिकाएं होती हैं, इनके चारों तरफ अंतराली ऊतक में दो प्रकार के आयंस पाए जाते हैं। एक को बोलते हैं सोडियम आयंस और एक को बोलते हैं पोटेशियम आयंस। ये जो आयंस होते हैं ये प्रत्येक एग्जाम के चारों तरफ पाया जाता है। जितनी भी कोशिकाएं हैं शरीर के अंदर में, सभी कोशिकाओं चारों तरफ जो होता है ये दो आयंस, सोडियम और पोटेशियम आयन जो होता है विद्यमान रहता है। अब यहां पर देखिए, सोडियम आयंस की तुलना में जो पोटेशियम आयंस होता है ये इसके तुलना में ज्यादा पारगम, लगभग 30 गुना ज्यादा पारगम में होता है। अर्थात एग्जाम के अंदर में पोटेशियम आयन पाया जाता है और एग्जाम के बाहर, एग्जाम मतलब सेल, ठीक है, तंत्र की कोशिकाएं जिसको न्यूरॉन्स कहते हैं, न्यूरॉन्स के अंदर में पोटेशियम आयन पाया जाता है, जबकि बाहर में जो होता है
सोडियम आयन जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्यों होता है? कारण यह है कि जो पोटेशियम आयन जो होती है, इसकी जो पारगम्यता होती है ये सोडियम आयन से अधिक होती है। इस वजह से कोशिका के अंदर जो है ये जो सोडियम आयन होता है अधिक होती है, और सॉरी पोटेशियम आयन जो है अधिक होता है और सोडियम आयन जो होता है कम होता है। ऐसे में क्या होता है कि एग्जान के बाहर में होता है सोडियम आयन और अंदर में होता है पोटेशियम आयन। सामान्य अवस्था में यही होती है। इसको हम देखिए डायग्राम को माध्यम समझ सकते हैं। एक नर्व कोशिका है, एक जान है ये, ठीक है। अब ये एक जान के जैसे बताया आपको मैं कि बाहर में जो होता है सोडियम आयंस और कोशिका के अंदर जो है पोटेशियम आयंस पाया जाता है। बाहर में सोडियम आयंस के द्वारा कारण से जो है जो प्रकृति होती है वो धनात्मक होता है, जबकि कार्बनिक मूलक उपस्थिति कारण जो है अंदर की जो प्रकृति होती है वो ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो सेल के बाहर धनात्मक आयंस अर्थात सोडियम आयंस, सेल के अंदर पोटेशियम आयन अर्थात ऋण आयन जो है पाया जाता है। क्योंकि बाहर में जो है अधिक मात्रा में सोडियम आयन होते हैं, इसीलिए बाहर की ओर जो है धनात्मक चार्ज उत्पन्न होता है। अंदर में पोटेशियम है तो आपका ऋणात्मक आयन, ये सामान्य अवस्था है, ठीक है। जब कोई संवेदना या कोई जो है सूचना नहीं पहुंची है सेल के पास में, तब सामान्य अवस्था में बाहर की ओर जो है सोडियम आयन अधिक होता है और अंदर की ओर जो है पोटेशियम आयन जो है अधिक होता है। ये सामान्य अवस्था में, इसको हम सुप्त अवस्था कहते हैं, सामान्य अवस्था कहते हैं। अभी कोई संवेदना या लहर आया नहीं है। अब देखिए इस समय इसका जो आपका विभव लगभग 70 एचजी होता है, इसको सुप्त अवस्था कहते हैं। कोई भी संवेदना या उद्दीपन या सूचना जो है जब सेल ग्रहण नहीं करता है उसको हम सुप्त अवस्था कहते हैं। उस समय सेल की जो विभव होती है लगभग 70 एचजी के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए आवेग कैसा होगा, जैसे कोई सूचना या आवेग या उद्दीपन नर्व सेल पास पहुंचता है, पहुंचने से आवेग में एक लहर पैदा होती है, ठीक है। सूचना में कोशिकाओं में जो है एक लहर पैदा होती है, जैसे बताया आपको मैं कि जैसे हम पत्थर डालते हैं ठहरे पानी पे, क्या होता है लहर बढ़ता आगे, ठीक उसी प्रकार से जैसे कोई सूचना जैसे कोई उद्दीपन जो है इस कोशिका पर पहुंचता है ये जो है उत्तेजित अवस्था में आ जाता है, एक्साइट हो जाता है, इससे एक लहर पैदा होता है। ये जो लहर होता है वो विद्युत रासायनिक तरंग के माध्यम से आगे बढ़ता है, ठीक है। अब जैसे जो है कोई यहाँ पर सूचना आया, यहाँ पर जो है एक जो कोशिका है वो एक्साइट हो गया, उत्तेजित अवस्था में आ गया, इससे तरंग पैदा हुई। अब तरंग जो है धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, ऐसा आगे बढ़ेगा। तो जैसे कोई आपका आवेग पहुंचता है इसकी पूरी पारगम्यता जो है जो परमेबल जो होता है इसको हम बोलते हैं पारगम्यता, एक नष्ट हो जाता है, बिगड़ जाता है, संतुलन जो है बिगड़ जाती है। जैसे कोई आवेग जो है इस कोशिका पर पहुंचती है इस कोशिका का संतुलन जो है बिगड़ जाता है। बिगड़ने से होता क्या है कि जो बाहर में जो सोडियम आयंस होते हैं, बाहर में कौन सा आयंस है, सोडियम आयंस है, धनात्मक चार्ज है, अंदर में कौन सा आयंस है, पोटेशियम आयंस है, ऋणात्मक आयंस है। जैसे कोई सूचना पहुंचती है ये जो सिस्टम है वो बिगड़ जाता है। होता क्या है कि ये जो आपका पोटेशियम आयंस होते हैं ये बाहर की ओर निकलते हैं और ये सोडियम आयंस जो होता है वो अंदर की ओर आता है, जिससे इसकी जो पारगम्यता होती है वो बिगड़ जाता है, जिससे दोनों आयन जो है अदला बदली होता है, अर्थात पोटेशियम आयंस जो है बाहर की ओर जाता है और सोडियम आयंस जो है अंदर की ओर आता है। जैसे आता है तो इनके बीच में जो ये जो चार्ज होता है आयन जो होता है ये भी बिगड़ जाता है।
क्योंकि सोडियम आयंस के अंदर आने की जो क्षमता होती है इससे ज़्यादा होता है, अर्थात पोटेशियम आयन जो होता है बाहर की ओर कम जा रहे हैं और सोडियम आयन जो है अंदर की ओर अधिक आ रहे हैं। ठीक है, तो सोडियम आयन की जो तुलना होती है इसकी तुलना में ये ज़्यादा होता है ये कम होता है, बाहर की ओर ये कम निकल रहा है जबकि अंदर की ओर सोडियम ज़्यादा आ रहा है, जिससे जो है इनकी जो बीच की जो प्रकृति होती है वो बदल जाता है, अर्थात बाहर की ओर जो है ऋण चार्ज आएगा ऐसा और अंदर की ओर धनात्मक आयंस, क्योंकि ये जो सोडियम आयंस अंदर आ रहा है तो इसके अंदर आने के साथ साथ जो है इसी प्रकृति बदल जाती है, पहले ऋण था यहाँ पर अब ये धन हो गया। ठीक है, सूचना जैसे यहाँ पहुँचा, लहर यहाँ जैसे पहुँचता, ये जो है प्रकृति साथ साथ आगे बढ़ता है, एक साथ ऐसा पूरा कोशिका नहीं, जैसे जो लहर धीरे धीरे आगे बढ़ता है वैसे वैसे जो है इनकी प्रकृति बदल जाती है, अर्थात ये लहर यहाँ तक आया तो ये चार्ज बदल गया, अर्थात सोडियम आयंस जो है अंदर आया और पोटेशियम जो है वो बाहर निकला। अब ये जो लहर है आगे बढ़ा यहाँ पर, तो ये जगह की जो है आपका बाहर में आपका ऋणात्मक हो जाएगा, अंदर धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, पीछे की ओर ये देखिए, जैसे जैसे लहर जो आगे यहाँ पहुंचा बीच में, ये जो प्रकृति होता है ये पुनः मूल अवस्था में आ जाता है। बाहर क्या था पहले धनात्मक आयंस और यहाँ पर ऋणात्मक आयंस। ठीक है, क्योंकि ये जो चलकता है ये जो आपका आवेग है इसको पार कर गया है, तो आवेग के साथ साथ जो है प्रकृति चेंज होती है। अब यह और आगे बढ़ेगा यहाँ पर इस प्रकार से, इधर की जो है पुनः अपने मूल अवस्था में आ जाता है धनात्मक आयंस, फिर ऋण इस प्रकार से, फिर आगे बढ़ेगा तो सांस आवेग के साथ साथ जो होती है इनकी प्रकृति बदलती है। ठीक है, तो समान अवस्था में जो होता है बाहर की ओर पूरा धनात्मक आयंस था, बीच बीच में चूंकि यहाँ पर ऋणात्मक भी होता है, चूंकि यहाँ बाहर की ओर कुछ मात्रा में सोडियम आयंस भी पाए जाते हैं और अंदर में जो है आपका ये पोटेशियम आयंस भी होता है, अंदर में सोडियम आयंस भी होता है, तो चूंकि बाहर में ज़्यादा सोडियम होता है अंदर में कम सोडियम होता है, तो जहाँ पर सोडियम होता है वहाँ पर सिर्फ धनात्मक होता है, अधिकांश भाग में जो है सोडियम होता है इसलिए अधिकांश जो है धनात्मक होता है, कुछ जगहों पर ऋणात्मक होती है। क्यों होती है? क्योंकि कुछ जगहों पर यहाँ पर सोडियम आयंस भी होता है यहाँ पर तो धनात्मक है, यहाँ पर बाहर की ओर ये है पोटेशियम आयंस तो ऋणात्मक है। ठीक है, ये समान अवस्था में, लेकिन जैसे जो कोई लहर पैदा होता है वैसे पूरा सिस्टम जो है बिगड़ जाता है, पूरी प्रकृति जो है नष्ट हो जाती है। तो लहर के साथ साथ जो है ये आगे बढ़ता है, वैसे वैसे जो है पुनः पीछे के जो है पुनः मूल अवस्था में आती है और आगे के जो है प्रकृति हो जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पर लास्ट है, ठीक है, ये कोशिका का जो है यहाँ पर लास्ट होता है, तो ये जो आवेग है ये जो सूचना होता है ये यहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ तक आया, पुनः ये मूल अवस्था में आएगा ऐसा। ये आपका एक नर्व सेल का लास्ट हिस्सा है। अब इसके बाद कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? इसके पश्चात जो है ये दूसरे न्यूरॉन्स को ट्रांसफर करता है। इस प्रकार से होती है, सभी जो न्यूरॉन्स होते हैं ये जो तंत्रिक कोशिका होता है इस प्रकार जुड़ा होता है ऐसा, ये कड़ी है ऐसा, इस प्रकार की कड़ी जो है पूरे शरीर में फैला हुआ है। इसके पास ही लहर आया, इसको दिया, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, इस प्रकार से होते हुए यहाँ तक पहुँचता है, पूरे शरीर में पहुँचता है। ठीक है, जैसे जो होता है ये आपका आवेग एक कोशिका के इन पर पहुँचती है, तो आपको पता है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं ये जो तंत्रिक कोशिकाएँ होती हैं ये आपस में जुड़ी होती हैं। ठीक है, किसके माध्यम से? आप लोग 11वीं पढ़े होंगे, इस प्रकार से ये नर्व बताया आपको मैं, ये आपका लंबा एग्जान है। ठीक है, यहाँ पर जो है इस प्रकार से डेंड्राइट्स होते हैं, इसी को हम कहते हैं युग्मानुबंध सिनेप्सिस। ठीक है, एक नर्व सेल का है, एक तंत्रिक कोशिका है, ऐसे बहुत सारे हजारों हैं, असंख्य हैं यहाँ पर। दूसरा जुड़ेगा वो इससे जुड़ता है। ठीक है, दूसरा जो न्यूरॉन्स होता है अर्थात दूसरी जो कोशिका होती है
इस प्रकार से बताया आपको मैं, ऐसे सब जुड़ा हुआ है ऐसा, तो दूसरी जो कोशिका होती है इसके डेंड्राइट से जुड़ता है, डेंड्राइट से ही, तो इसके डेंड्राइट से जुड़ता है, जहां पर दो डेंड्राइट आपस में जुड़ते हैं ऐसा, उसी जगह को बोलते हैं युग्मानुबंध या सिनेप्सिस, ठीक है, यहां पर दो तंत्रिका कोशिका आपस में जुड़ता है। तो यहां पर इस पर आपका आया आवेग, तो जहां पर जुड़ते हैं उस जगह पर आवेग का संचरण अलग प्रकार से होता है। कैसा होता है देखिए, जहां पर दो न्यूरॉन्स या दो तंत्र की कोशिकाएं आपस में जुड़ती हैं उस जगह पर विशेष प्रकार के साइनेटिक नोप्स पाए जाती हैं, थैलियां, ठीक है, ये इस प्रकार से यहां पर ये बार बता रहा हूं आपको, इधर का ऐसा आया और ये दूसरे बार कोशिका ऐसा ऐसा जुड़ेगा ऐसा, ठीक है, ये न्यूरॉन्स है, ये दूसरा न्यूरॉन्स है, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, ये दोनों का ये मिलन, ये वाला जहां पर मिल रहे हैं, इधर का सिरा दोनों आपस में ऐसा जुड़ता है ऐसा, तो जहां पर जुड़ता है उसी को हम कहते हैं युग्मानुबंध, सिनेप्सिस। ये आपस में ऐसा जुड़ता नहीं है, थोड़ा गैप रहता है ऐसा, बीच में थोड़ा स्पेस पाया जाता है ऐसा, ऐसे एकदम अटैच नहीं होते, ठीक है, ये ऐसा बीच में स्पेस रहता है, इस प्रकार से रहता है। एक तरफ न्यूरॉन्स, ये दूसरी ओर का, ये बीच में गैप, बीच में रिक्त स्थान है, ठीक है। तो जहां पर ये जो तंत्र कोशिकाएं होती हैं, जैसे बताया आपको मैं इस प्रकार से, जैसे आवेग यहां तक पहुंचता है, इसके बाद दूसरे वाला लगता है ना, तो यहां पर इसे पहुंचती है, यहां पर विद्युत रासायनिक तरंग के माध्यम से आवेग का संचरण नहीं होता है, यहां पर कुछ हार्मोनल क्रियाओं के द्वारा होता है। तो तंत्रिका कोशिकाओं के अंतिम सिरों पर इस प्रकार से नोप्स पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं घुंडियां, साइनेटिक घुंडियां, घुंडियां बोलते हैं, साइनेटिक घुंडियां, ठीक है, ये विशेष प्रकार से घुंडियां होती हैं, इस प्रकार से इसमें विशेष प्रकार के अंतराली द्रव भरा होता है ऐसा। इन्हीं घुंडियों के पीछे की ओर विशेष प्रकार के ऐसे थैलियां पाई जाती हैं, इसको हम बोलते हैं साइनेटिक थैलियां। ये जो घुंडी होता है, घुंडी के पीछे की ओर जो है विशेष प्रकार के थैलियां होती है, इसको हम बोलते हैं साइनेटिक थैलियां बोलते हैं। ये घुंडियां हैं, ये थैलियां हैं, इसमें भी वैसे होगा, पीछे की ओर आपका इस प्रकार से थैलियां हैं, ये घुंडियां हैं, ठीक है। तो जैसे जो आवेग होता है इनके पास पहुंचता है, अर्थात यहां पर पहुंचा, यहां शुरू हुआ था, ऐसे होते हुए अंतिम पर पहुंचा, तो यहां पर विद्युत जो रासायनिक क्रिया होती है, तरंग जो होता है वो समाप्त हो जाता है। तो आगे कैसे बढ़ता है, तो आगे जो है हार्मोन्स के माध्यम से हार्मोनल क्रिया से बढ़ता है। इन जो थैलियां होती है इनमें विशेष प्रकार के द्रव पाया जाता है, इन द्रव को कहते हैं एसिटाइल कोलिन नामक हार्मोन्स भरा होता है, ठीक है। इन जो थैलियां होती है, इन थैलियों में विशेष प्रकार के हार्मोन्स, इसका नाम है एसिटाइल कोलिन नामक हार्मोन्स भरा होता है। जैसी लहर, ये जो लहर आ रहा है यहां पर, कोई संवेग या लहर उत्तेजना इनके पास पहुंचती है, अंतराली ऊतक से जो कैल्शियम आयंस होते हैं यहां पर आते हैं, बाहर से जो अंतराली द्रव से जो कैल्शियम आयंस होते हैं विशेष प्रकार की घुंडियों में पहुंच जाता है, कैल्शियम आयंस अंदर आते हैं, इनके प्रभाव से ये जो आपका थैली होता है वो थैली जो है टूट जाता है, ठीक है, ये यहां से टूट गया, थैलेनिक जो है टूट गया। तो ये जो आपका द्रव होता है, क्या नाम है इसका, एसिटाइल कोलिन नमक जो हार्मोन्स होता है, इन थैलियों से बाहर आते हैं,
ठीक है, कैल्शियम आयन्स के प्रभाव से ये जो है थैलियों से निकल करके ये स्टाइल कोलिन नामक जो हार्मोन होता है बाहर आता है, जिससे प्रकृति पुनः बदल जाती है, जिससे पुनः एक लहर या तरंग पैदा होता है, नए अवयव पैदा होता है और ये जो है आगे बढ़ती है, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, इस प्रकार से आती है। ऐसे होते हुए तो जो है यहाँ पर ये एक घुंडियों तक पहुँचता है। ठीक है, यहाँ पर एक विशेष प्रकार के जो एंजाइम्स है, इसका नाम है आपका स्टाइल कोलिन एसिटाइल कोलिन स्टाइल कोलिन कोलिने स्टेरेज स्टेरेज। ठीक है, स्टाइल कोलिने स्टेरेज नामक एंजाइम्स हाँ, तो ये जो स्टाइल कोलिन स्टेरेज जो एंजाइम्स होता है, ये जो एंजाइम्स है इस हार्मोन्स को, ये आपका स्टाइल कोलिन हार्मोन्स है, इस हार्मोन्स को एसीटेट और कोलिन में तोड़ देता है, जिससे यहाँ के आयंस की प्रकृति बदल जाती है, पुनः तरंग जो है नए पैदा होता है और ये आगे बढ़ता है। इस प्रकार से संचरण जो होता है यहाँ से यहाँ तक, अर्थात एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो जो संवहन होता है आवेग का, अर्थात एक जो लहर है, ये लहर इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन में आएगा, तो इनके बीच जो संचरण होता है वो विशेष प्रकार के हार्मोन्स के माध्यम से होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो न्यूरॉन अटैच नहीं है, यहाँ पर जुड़े नहीं हैं, गैप है ना, तो यहाँ पर बीच में जो होता है इन्हीं हार्मोन्स के माध्यम से इनका संचरण एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक ट्रांसफर होती है। ये जो हार्मोन्स होता है स्टाइल कोलिन हार्मोन्स, इस विशेष योगदान है, इसी हार्मोन्स की वजह से जो है पुनः तरंग पैदा होती है और यहाँ से यहाँ पहुँचता है। इसी प्रकार के और भी हार्मोन्स होते हैं, इसका नाम यह है आपका सीरोटोनिन, सीरोटोनिन ये भी हार्मोन्स है, ये भी जो है आवेग का संचरण करने का कार्य करता है। फिर दिया आपका सिंपैथिन, सिंपैथिन, फिर आपका डोपामिन और नोर एड्रीनेलिन, इस प्रकार के रसायन और भी पाए जाते हैं, इनका काम भी वही है जो ये करता है, अर्थात ये आवेग को जो है एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक ट्रांसफर करने का कार्य करते हैं, योगदान देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एक न्यूरॉन से किस प्रकार से आवेग का संचरण हो दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचता है ये हमने पढ़ा। दूसरा है प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन प्रतिवर्ती क्रिया। आपको मालूम है कि क्रियाएं जो है दो प्रकार की होती है, जब हमने ब्रेन पढ़ाया था उससे बताया था आपको मैं कि क्रियाएं जो है दो प्रकार की होती हैं, एक क्रिया को बोलते हैं ऐच्छिक क्रिया और एक क्रिया को बोलते हैं अनैच्छिक क्रिया। ऐच्छिक मीन्स जो हम इच्छा से करते हैं, जिसका पूरा कंट्रोल किस पे कौन करता है,
ब्रेन करता है, मस्तिष्क करता है। और अनैच्छिक क्रिया जो हमारे इच्छा के बगैर होती है, जिसका पूरा कंट्रोल मस्तिष्क से ही होता है, कुछ आंशिक भाग मेडुला ब्लगेंडा करता है, इसका पूर्ण रूप से जो कंट्रोल होता है वो स्पाइनल कार्ड या मेडुलरज्जू से होता है। तो शरीर में जो है दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं अनैच्छिक क्रिया, एक तो आंतरिक अंगों में, इसका कंट्रोल कौन करता है, मेडुला ब्लगेंडा, मेडुला ऑब्लॉगेंटा, ये प्रकार का अनैच्छिक क्रिया है जिसका आंतरिक अंगों में होता है, इसका जो कंट्रोल होता है वो आपका मेडुला ऑब्लॉगेंटा करता है। और दूसरे प्रकार का जो आपका क्रिया होता है बाह्य उद्दीपन से, बाह्य उद्दीपन से जो होता है, इस प्रकार के अनैच्छिक क्रिया का जो कंट्रोल होता है, जो नियंत्रण होता है, वो स्पाइनल कार्ड के माध्यम से होता है। इसको कहते हैं मेडुलरज्जू। तो इस प्रकार से अनैच्छिक क्रिया शरीर में जो है दो प्रकार से होती है, एक तो बाहर से, एक अंदर से, ठीक है। तो सभी अनैच्छिक क्रियाओं को हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। समस्त प्रकार के अनैच्छिक क्रियाओं को ही हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्स एक्शन। बाह्य उद्दीपन का अगर देखते हैं, जैसे आपका आंतरिक अंगों में होता है, जैसे आपका भोजन का पचना, भोजन का पचना का जो है मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं करता, हमारा ब्रेन जो है इसका कंट्रोल नहीं करता, इसका कंट्रोल जो होता है मेडुला ब्लगेंडा के माध्यम से होता है। और बाह्य उद्दीपन जैसे आपका मिठाई को देकर लार टपकना, झपकी आना, खांसना, छींकना, ठीक है, ये सब सारी जो बाह्य उद्दीपन होता है, इसका कंट्रोल जो होता है वो स्पाइनल कार्ड के माध्यम से होता है। अब ये भी दो प्रकार के होती है, एक तो होता है जन्मजात अनैच्छिक क्रिया जो स्वतः होती है शरीर के अंदर होता है, ठीक है, जन्मजात होता है। और दूसरा होता है, दूसरे प्रकार की जो होती है आपका अनुकूलित, एडाप्टेशन से, इसको हम बाहर से एडाप्ट करते हैं, बाहर से ग्रहण करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल साइकिल पर पैडल मारना, साइकिल पैडल मारना हम सीख के नहीं आते, हमको सीखना पड़ता है उसको, एक बार सीख जाते हैं तो ब्रेन कंट्रोल नहीं होता, ब्रेन नहीं पूछता कि हम बार बार पैडल मारे कि नहीं मारे, वो स्वतः होता है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है उसको एडाप्टेशन कहते हैं। तो दो प्रकार से होती है, एक तो जन्मजात होता है और दूसरा जो आपका अनुकूलित होता है एडाप्टेशन के माध्यम से। प्रतिवर्ती क्रिया होता कैसा है देखिए, अब प्रतिवर्ती चाप, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्स आर्च। समस्त प्रकार के जो अंग हैं जो प्रतिवर्ती क्रिया में भाग लेते हैं, मिलकर के एक चैन का निर्माण करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, सभी अंगों को एक साथ हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रिया में जितने भी अंग भाग लेते हैं, जो अनैच्छिक क्रिया होती है उस अनैच्छिक क्रिया में जितने भी ऑर्गन्स या अंग भाग लेते हैं, सभी अंग एक साथ एक चाप निर्माण करते हैं, उस चाप को हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। अब इसमें भाग को लेकर देखिए कौन कौन भाग लेते हैं प्रतिवर्ती चाप में, पहला संवेदी अंग, शरीर में बहुत सारे संवेदी अंग होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स होता है जो विशेष प्रकार के संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, उनका कार्य क्या है, संवेदनाओं को ग्रहण करना। तो पहला जो होता है संवेदी अंग, दूसरे प्रकार को होता है संवेदी न्यूरॉन्स
तंतु, विशेष प्रकार फाइबर्स हैं, तंतु हैं जो पूरे शरीर में फैला हुआ है। तो आपका दूसरा है संवेदी न्यूरॉन्स तंतु। तीसरे प्रकार का होता है तंत्रिका केंद्र। इसका केंद्र कहाँ होता है? इसका केंद्र जो होता है ये आपका मुख्यतः स्पाइनल कॉर्ड है, मेरुरज्जु है। चौथे प्रकार का है माध्यमिक न्यूरॉन। इतने सारे अंग इसमें भाग लेते हैं प्रतिवर्ती चाप में। पांचवें प्रकार का है प्रेरक तंतु। और छठे प्रकार का है आपका अपवाहक अंग। छह प्रकार के ऑर्गन जो है पूरे तंत्र में भाग लेते हैं। ये सारे मिलकर के प्रतिवर्ती चाप का निर्माण करते हैं। संवेदी अंग जो संवेदना ग्रहण करते हैं, इन संवेदना ग्रहण करके जो है ये न्यूरॉन्स या संवेदी न्यूरॉन्स तंतु को ट्रांसफर करते हैं। ये जो है ये तंतु होते हैं ये अंगों से केंद्र की ओर लाता है, संवेदनाओं को अंगों से केंद्र की ओर लाता है। तंत्रिका केंद्र जो होता है ये आपका सेंट्रल है, इसको बोलते हैं आपका मेरुरज्जु के अंदर पाया जाता है। कोई केंद्र है, केंद्र बिंदु जहां पर विश्लेषण होता है, इसको बोलते हैं तंत्रिका केंद्र। ये होता है स्पाइनल कॉर्ड में। माध्यमिक न्यूरॉन जो होता है ये भी स्पाइनल कॉर्ड में ही होता है। ये सब सेंटर है, मेरुरज्जु के अंदर ही होता है भी। इसका केंद्र भी जो है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही होता है, सब सेंटर हो सकते हैं इसको। और प्रेरक तंतु जो होता है ये सूचना को जो है ये स्पाइनल कॉर्ड से अंग की ओर लाता है। ये जो न्यूरॉन्स होता है संवेदी तंतु जो होता है अंगों से स्पाइनल कॉर्ड की ओर लाता है, जबकि प्रेरक तंतु जो होता है स्पाइनल कॉर्ड से अंग की ओर लाता है, एक आता है एक जाता है। और अपवाहक अंग जो होते हैं ये इसके अनुसार कार्य करते हैं, जो भी स्पाइनल कॉर्ड जो है आदेश देता है उसके आधार पर जो है ये अपवाहक अंग कार्य करते हैं। ये सारे अंग जो है मिलकर के प्रतिवर्ती चाप का निर्माण करते हैं। अब इसका एक्शन देखते हैं कैसा होता है। ये है अपवाहक अंग। इस अंग के अंदर में संवेदी कोशिकाएं पाई जाती है। विशेष प्रकार कोशिका होती है जो संवेदनाओं को ग्रहण करने कार्य करता है। ये सभी संवेदी अंग पर या अपवाहक अंग पर पाया जाता है। ये आपका संवेदी कोशिकाएं, संवेदी कोशिका। ये संवेदी कोशिका जो है विशेष प्रकार के जो न्यूरॉन्स बनता है, ये सब न्यूरॉन्स से बना हुआ है, ये सब नर्व सेल्स है। ये आपस में तंतु बनाते हैं, इसको बोलते हैं आपका आपका संवेदी तंतु है ये। संवेदी तंतु ये बीच केंद्र आपका मेरुरज्जु, इसी के अंदर में स्पाइनल कॉर्ड है, इसी के अंदर में एक और सब सेंटर होता है
ये आपका माध्यमिक न्यूरॉन, ये भी पूरे न्यूरॉन से बना हुआ, विशेष कोशिका से बना हुआ है, समीकर ये कहलाता है आपका प्रेरक तंतु, ये अंग अपवाहक अंग, ये पूरा सिस्टम है, ये सारे मिलकर के जो है एक तंत्र का निर्माण करते हैं, इसी को हम कहते हैं प्रतिवर्ती चाप। अब क्रिया कैसे होती है, एक एग्जांपल देते हैं। जैसे आप चलते हो कहीं खाली पर जा रहे हैं, आप पैरों में कांटा चुभ गया, फर्स्ट एक्शन आप क्या होगा आपका, मान लीजिए आपका अपवाहक अंग या आपका पैर है, ये आपका पैर, जैसे पैर में आपका कोई कांटा चुभ जाता है, फर्स्ट एक्शन क्या होता है, फर्स्ट एक्शन क्या होता है आपका, क्या होता है आप लोग अनुभव करते होंगे, फर्स्ट एक्शन ये होता है कि जैसे जो है कांटा चुभा हमारे पैर में, पैर के नीचे टो में आया, सबसे पहले हमारी पैर जो है वहां से हट जाता है, क्या और दबाते हैं उसको, नहीं दबाते ना उसको, वहां से अपने पैर को हटा लेते हैं, ये एक क्रिया है। अब देखिए होता क्या है, ये हमारा पैर है, इस पैर पे कोई एक बाहर से कुछ ही आया कांटा, यहाँ कांटा चूहा, चूहे पर ये जो आप कोशिकाएं होती हैं, जिसको हम कहते हैं संवेदी कोशिका, ये संवेदी कोशिका, ये सूचना है, ये उद्दीपन है, इस सूचना को जो है ग्रहण करते हैं कि इस पैर पर जो है इस जगह पर कोई आया है, इस सूचना को जो है संवेदी कोशिकाएं जो है ग्रहण करती हैं, संवेदी कोशिकाएं ग्रहण करने के पश्चात जो है अपने पास रखते नहीं है, ये दूसरे कोशिकाओं को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, दूसरे तीसरे पास आता है, ऐसे आते आते जो है इस संवेदी तंतु पास आता है, तंतु यहां से इसको देता है, यहां से यहां, ऐसे करते करते सूचना जो होता है होता हुआ ये आया केंद्र बिंदु पर, इसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। अब ये जो सूचना है, इस सूचना का यहाँ विश्लेषण होता है, ये प्रश्न है, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का विश्लेषण करता है, सोचता है क्या करना चाहिए, विश्लेषण करता है, उसका उत्तर देता है, प्रतिउत्तर, और सोचने के पश्चात जो है ये अपने उत्तर को ये माध्यमिक न्यूरॉन्स जो सब सेंटर है इसको भेजता है, इस प्रश्न का उत्तर जो है इनके द्वारा लाया गया या विश्लेषण हुआ, इसके पश्चात जो है इसका उत्तर जो है माध्यमिक न्यूरॉन्स को ट्रांसफर किया, उत्तर दिया इसको, ये जो उसके उत्तर जो है, ये जो न्यूरॉन्स है सब सेंटर जो होता है इसको ट्रांसफर किया कि आप जो है जो सूचना है इसको इसको ट्रांसफर किया, ये इसको दिया, इस प्रकार से होता हुआ जो प्रेरक तंतु है इस सूचना को जो है वापस जो है आपका अपवाहक अंग पैर तक लाता है, ठीक है, फिर इस सूचना के अनुसार जो है जो जो सूचना दिया किसने दिया, इस पैनल कार्ड ने, केंद्र बिंदु ने जो सूचना दिया उस सूचना के आधार पर पैर जो है कार्य करता है, तो अपना आपको वहां से हटाता है, तो ये जो क्रिया एक प्रकार सिस्टम हुआ, यहां से आई ये गया सूचना केंद्र तक आया, केंद्र जो है उसको सोचा विश्लेषण किया उत्तर दिया, उत्तर जो है पुनः तंतु के माध्यम से जाता जो है प्रेरक तंतु जाता है, आता किससे है संवेदी तंतु से, ठीक है, तो सूचनाओं का जो संवहन होता है वो एक सिरा होता है, एक दिशा में होता है, ये जो है इधर से इधर आया अर्थात अंग से केंद्र की ओर और केंद्र से अंग की ओर, तो संवेदी तंतु हो गया और प्रेरक तंतु, इस प्रकार से इस सूचना का अनुसार से पैर अपना कार्य करता है जिससे पैर अपने आप वहां से हटा लेता है। इन सूचनाओं का जो संवहन होता है ये कुछ सेकंड में होता है, लगभग इसकी जो गति होती है लगभग 350 प्रति घंटा की रफ्तार से जो आवेग होता है बढ़ता है, ठीक है, तो इस प्रकार से पूरी अंग जो है मिलकर के चाप बनाते हैं, इसी को कहते हैं प्रतिवर्ती
चाप। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, किस प्रकार से आवेग का संचरण होता है एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक, जो है जो आवेग होता है, लहर जो है किस प्रकार से आगे बढ़ती है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कैसे जो है आगे बढ़ता है, और सूचनाओं का जो है विश्लेषण किस प्रकार से होती है, इसका अध्ययन हमने प्रतिवर्ती चाप के माध्यम से किया। ठीक है, धन्यवाद।